वो तो जब चैतन्य अभी तो गंगा के तरह में ये तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु साथ में निताई गौर ब्रह्मानंदे बोले वहां पर तो महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। इतने में जो हाँ जो हृदय चैतन्य कृष्ण का क्या लगता है सुबल सका है हाँ ध्यान तो कितने प्रिय धर्म सका है डंडा लेकर गया बोले गया कहा वो ठाकुर जी ये मंदिर छोड़ करके चले गए सका है ना। जब इन्होंने देखा ये चैतन्य ने ये डंडा लेकर के आ रहा है मारने के लिए हमें ठाकुर जी डर के मारे ठाकुर जी उन्होंने देखा उनका हृदय में प्रवेश कर गया है। इसलिए पहले नाम था उनका चैतन्य लेकिन जब उनको हृदय में प्रवेश कर गए फिर उनका नाम पड़ गया हृदय चैतन्य नाम पड़ा। जब उन्होंने देखा नहीं भैया मेरा चेला पक्का चला है ये साधारण नहीं इनके प्रेम में ठाकुर इतने वशीभूत है जो ठाकुर जी इनके पीछे मंदिर छोड़ करके भी वो भाग कर चले गए फिर समझे ये पक्का चेला फिर मैंने चेले को यहाँ पर लाए। और एक आप लोग से बात सुने हम लोगों ने तो कोई महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दर्शन कोई नहीं किया है हम लोगों ने कहीं दर्शन नहीं किया हम लोग प्रभु बता रहे थे ना कहते इनको दर्शन करने पर ठाकुर जी को सख्यात महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दर्शन करके का फल प्राप्त होता है। क्योंकि आप लोगों ने सुने जब उन्होंने कहते ना कहते विग्रह नाम तो सख्यात ब्रजेंद्र नंदन कहते जो विग्रह है इनका नाम विग्रह क्यों है बोले विग्रह मतलब होता है मतलब पी पूर्वक ग्रह मतलब जो विशेष पूर्वक भक्तों का प्रेम को जो ग्रहण करते हैं इसलिए इनका नाम है विग्रह है। इसलिए बोले ये विग्रह नहीं इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे बोलते थे ये विग्रह ना तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ये साक्षात भगवान है। इसलिए हिंदी में भजन है ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं मैया जसोदा जैसे तो खिलाते नहीं कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं बोले ब्रज गोपियां जैसे तो नचाते नहीं कोई कहते हैं भगवान आते नहीं कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं ब्रज गोपियां जैसे तो नचाते नहीं। ठाकुर जी सब कुछ करते हैं वो विग्रह नहीं है साक्षात भगवान है साक्षात भगवान है। इसलिए जो ठाकुर जी हम तो देखे नहीं करते इनको दर्शन करने पर क्योंकि यहाँ पर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु यहाँ स्वयं रूप गए और उन्होंने जो नीम लकड़ी का जो उन्होंने मूर्ति बनाया था यहाँ से मूर्ति चलते 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 मूर्ति चले गए और जो ठाकुर जी स्वयं थे यहाँ पर रुक गए। इसलिए ये ठाकुर जी को दर्शन करने से साक्षात महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का दर्शन करने का फल मिलता है। इसलिए और यहाँ पर दो चीज प्रभु जी ने बताए जब महाप्रभु जो नदी पार करते थे तो हिंदी में क्या बोलते हैं चाकू 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 यहाँ पर अभी भी उन्होंने महाप्रभु ये गौरदास पंडित जी को देख रहे गए बोले तुम भी ये चाकू को तरह भवसागर से जीवों को पार करवाना इसलिए वो चाकू रखा हुआ। अब महाप्रभु का हस्तलिखित जो भगवद गीता महाप्रभु का अपना जो हैंडराइटिंग हमने देखा नहीं जिसमें यहाँ पर महाप्रभु का अपना हस्त हैंडराइटिंग भी वो लिखा हुआ भगवद गीता ये दो चीज साक्षात रूप में और ये तीन चीज महाप्रभु यहाँ साक्षात रूप में यहाँ पर विद्यमान अगर होगा तो अपना दादारा हरे कृष्ण हमारे बेटा दर्शन करा मेरे चाकूटा हाँ चलो वहां पर महाप्रभु का जो जिस चाकू से नदी पार करते थे यहाँ पर है हस्तलिखित गीता है हम देख करके फिर यहाँ समझाएंगे। यहाँ पर पास में सूर्यदास सखल है फिर जो गौरदास पंडित को पांच भाई थे उनका भैया है जो सूर्यदास सखल है उनका दो बेटी है जाह्नवा और वसुंधरा है जो नित्यानंद प्रभु जहाँ वो दो बेटी को साथ में शादी किए हम लोग को शादी का स्थान में जाएंगे वहाँ दर्शन करके फिर अपना घर में वापस जाएंगे ठीक है। हम हरे कृष्ण सबको प्रसाद देते हैं।